is me Ansha Ghaziani. This is me Ariba Ashra. So guys, welcome to Ansha and Ariba Vlogs. Yay. So guys, आज हमारा व्लॉग किस बारे में है? आज हमारा व्लॉग है स्किन केयर पे. आज हम लोगों ने की है ऑयलिंग. हम लोगों ने दोनों बहनों ने ऑयलिंग की है क्योंकि हम लोग ने बोला यार बाल बहुत ज्यादा रफ हो गए. yes. अब कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए बालों पे अपने. तो फिर हम लोगों ने ऑयलिंग की है. हमें मम्मा ने ऑयलिंग कर दी है. और बाकी अभी हम क्या करने वाले हैं? स्किन केयर करने वाले हैं अपनी. अभी हम स्किन केयर करने वाले हैं. उसका मैं प्रोसेस पूरा आपको बताऊंगी कि हम लोग क्या क्या इसमें डालेंगे, क्या क्या करेंगे. तो और इसमें क्या क्लींजिंग, स्क्रबिंग और मास्क होता है तो वो भी आपको बताएंगे. सारी रेमेडी है, मतलब घर की ही सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या है. उसमें अच्छा मेरी वीडियो बनाएगी और मैं सब आप लोगों को बताऊंगी. तो हमें बाहर की चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो हमारे फेस पे इफेक्ट करती है और कभी फेस भी खराब हो जाता है, दाने हो जाते हैं. तो हमने सोचा घर की होम रेमेडी से ही करना चाहिए, क्यों नहीं. अच्छा फायदे वाली भी वो चीज़ है. और दही तो वैसे ही आपके मुँह पे ग्लो बहुत अच्छा करती है और उसके साथ जो जो चीज़ें ना वो सारी बहुत अच्छी हैं. तो उसका मैं पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगी और अंशा मेरी वीडियो बनाएगी तो फिर हम आपको बताएंगे. और बाकी ये फेस वाइटनिंग और ग्लो के लिए बहुत अच्छा होता है, आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा होता है. और हम नाइट ड्रेस में ही आ गए हैं, दोनों घर के, क्योंकि हम रात को शूट कर रहे हैं. कितने 2:30 बजे शूट कर रहे हैं? 2:30 बजे. अभी हमने पिज्जा का ऑर्डर भी किया है, पिज्जा भी खाने वाले हैं. हाँ फिर हम लोग इसमें पहले तो हम लोगों का जल्दी जल्दी ब्लॉग बना लें, फिर ब्लॉग बनेगा, फिर हम लोग बस आएंगे. बस हम आपको दिखाते हैं. ओके स्टे ट्यून्ड. सो गाइज यहाँ पे अरीबा हमारा फेस पैक बना रही है. अब मैं फेस पैक बनाने वाली हूँ. अभी ये दही है, ठीक है. दही हमने ली, इतनी ली है, अभी और भी लेंगे. सही है, ये 2 स्पून हम लोग करेंगे. फेस पैक बना रही है अरीबा हमारा भी, क्योंकि अंशा और मुझे दोनों को करना है जी. तो ज़्यादा लेना पड़ेगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है. 2 स्पून ये ले ली हमने. फिर हम लेंगे लेमन, लेमन, ठीक है. हम लोग लेमन को कट करेंगे. लेमन को हम कट करेंगे और फिर हम लोग इसका जूस निकालेंगे, वो भी 4 to 5 ड्रॉप्स. हाँ ज़्यादा नहीं निकालना वरना फेस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है. बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं. अब ये नेक्स्ट इसमें काम आएगा. यस तो बस अब हम लोग को इसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे इसको. इसकी हम क्लिनजिंग करेंगे, इसकी हम क्लिनजिंग. तो अभी मैं इसको मिला रही हूँ, फिर हम लोग दोनों करेंगे क्लींजिंग क्योंकि ये फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ग्लो होता है. इससे फेस हम गुड़े गुड़े हो जाएंगे. yes. हम लोग गुड़े गुड़े हो जाएंगे. सो गाइस बस ये हो गया, अब हम अपने फेस पे लगाते हैं. फिर हम वो लगाते लगाते भी दिखाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं. सो गाइज अवर फेस पैक इज रेडी. सो गाइज अब हम अपने फेस को लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा होता है हमारा फेस. तो लगाते लगाते भी दिखाते हैं. चलो लगाओ लगाओ, तुम भी लगाओ. से लगे हल्दी हो रही है अभी. काश जल्दी से हल्दी की रस्म हो जाए. ओह माय गॉड, अब मैं कम कम ही लगा रही हूँ. मतलब लगाना ज़्यादा ही है लेकिन अभी सही से तो लग नहीं रहा. फ्री है तो आप तो कर सकती हूँ. मेरे हाथ में ये है, ठंडा ही है क्योंकि हमारी दही है ना जो वो ठंडी थी काफ़ी, है ना. बहुत ज़्यादा क्योंकि अच्छा फिर ठंडी है तो दही भी ठंडी. ओह एक्सक्यूज मी, ज़्यादा फ्री नहीं होने की ज़रूरत है. ओह माय गॉड कितना अजीब सा फेस आ रहा है हमारा. तुम ऐसा करो बाउल वहाँ रख दो. हाँ मैं भी ये सोच रही हूँ. तो दो हाथों से आराम से. सो यार गाइस लगा रहे हैं क्लींजिंग कर रहे हैं हम लोग. गोरे गोरे हो जाए थोड़े से तो गोरे हो जाए, चिंचे हो जाए. वैसे हम प्यारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन फिर भी लेकिन करना चाहिए अपने फेस के साथ, मतलब फेस की केयर करना चाहिए बिल्कुल. तो आप इसे क्या करते रहे? क्लींजिंग करते रहे आप लोग, मसाज करते रहे. जिस तरह आपको आता है करते रहे. हम भी अपना अपना खुद ही कर रहे हैं क्योंकि ये तो सही है ना, ऐसे ही करना चाहिए. यस तो फिर इसके बाद हम लोग फेस वॉश करेंगे. हाँ. तो वो भी आपको बताएंगे. गाइस हमने क्लींजिंग कर ली है. यस हमारी क्लींजिंग हो चुकी है. 10 मिनट्स हमने क्लींजिंग की है
और अब हम लोग जा रहे हैं अपना फेस वॉश करने के लिए और फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं हमारा फेस कैसा हुआ। सो गाइस हमने कर लिया अपना फेस वॉश, ये देखिए हल्का हल्का सा ग्लो आना शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। अभी तो फर्स्ट स्टेप था, अभी दो और स्टेप्स रह गए हैं तो वो भी हम आपको अभी बताएंगे। और अभी बनाने वाले हैं स्क्रबिंग वाला जो होता है फेस, मतलब स्क्रब बनाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं स्क्रब बनाने वाली हूँ। ये हमारे पास दही है, ये है चावल का आटा और ये खाली बाउल है जिसमें मैं बनाने वाली हूँ। सो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें 2 स्पून डालनी है दही, योगर्ट होता है जो, थोड़ा और ले लेंगे, कम हो गया मुझे लग रहा है। अब फिर हमें चावल का आटा 1 स्पून लेना है क्योंकि चावल का आटा भी आपके फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसे हम मिक्स करेंगे। सो गाइस ये मैं मिक्स कर रही हूँ और इससे स्किन काफ़ी टाइट भी हो जाती है जो कि बहुत अच्छी होती है, होना भी चाहिए, अच्छा लगता है। और बाकी इससे ग्लो और वाइटनिंग भी बहुत हो जाती है तो बहुत अच्छा होता है। तो अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। सो गाइस हमारा स्क्रब रेडी हो चुका है ये और अब हम लोग इसकी भी स्क्रबिंग करेंगे, ठीक है? और आपको दिखाते हैं। यस अच्छा, मैं वहाँ रख देती हूँ। देखो कैसे ले लिया मैंने हाथों में। ओह अल्लाह, ये कुछ ज्यादा ही ठंडा हो रहा है, हो रहा है ठंडा ठंडा हो रहा है। ओह माय गॉड, अब ऐसा है कि मैं चीनी लगा रही हूँ अपने मुंह पे। आई थिंक चावल है, चावल का आटा है तो इसलिए ऐसा मुझे लग रहा है। छोटे आटा तो वैसे, और लेकिन इससे फेस बहुत अच्छा हो जाता है मैंने सुना है और होता भी है, मैंने यूज़ भी किया है पहले। हमने पहले यूज़ किया था बहुत पहले, अब तो ये नहीं करते इतना। हाँ अब हम इतना कुछ भी नहीं करते, अब हम करते ही नहीं है कुछ भी, हमें दिल ही नहीं चाहता। लेकिन आज हमने बोला आप लोगों के लिए हम लोग करें, हम आप लोगों को वीडियो दिखाएं, बना के वीडियो भी बनाए और साथ साथ कर भी लें, हमारा भी काम हो जाए, आप लोग का भी काम हो जाए। तो इससे भी हमें ऐसे ही करना है स्क्रब। ओहो ये तो बहुत ज्यादा चुभ रहा है। गाइस हमारी स्क्रबिंग हो गई है, हो गई है डन। अब हम फेस वॉश करेंगे अपना। ये देखिए हमारे हाथ और हर जगह गंदगी हो गई है, इतना सब सफाई भी करनी पड़ेगी हमें। और फिर हम ये सब करके फिर जान छुपेगी हमारी, बहुत गंदगी हो रही है, टिप टिप हो रही है। सो बस हम वॉश करके आपको दिखाते हैं। सो गाइस ये देखिए गाइस हमने अपना फेस वॉश कर लिया और कितना प्यारा फेस लग रहा है, बहुत ग्लो आ रहा है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो रहा है, बेबी स्किन लग रही है हमारी। और हमने ये 10 मिनट्स स्क्रबिंग की है, स्क्रबिंग 10 मिनट्स होती है, स्क्रबिंग में लेमन नहीं होता क्योंकि लेमन हर चीज़ में हर किसी के लिए सूटेबल भी नहीं होता क्योंकि दाने और निकल आते हैं, फिर हर किसी के स्किन पर सूट करे नहीं करे, तो उसमें तो लेमन नहीं है लेकिन लास्ट वाली में लेमन होगा तो वो भी हम आपको बता मतलब बनाते बनाते दिखाएंगे, वो भी देखिए आप लोग। सो गाइस ये 3rd स्टेप है और ये है दही डलेगी इसमें, इसमें बेसन का आटा डलेगा और इसमें डलेगा लेमन, ठीक है? ये तीनों चीज़ें डलेंगी। अब मैं इसका प्रोसेस बताती हूँ किस तरीके से बनेगा। इसमें हम लोग 2 स्पून दही डालेंगे, ठीक है? इसके बाद हम डालेंगे ये मास्क है, ठीक है? ये फेस मास्क है, सही है? तो इसमें हम लोग ये थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि मास्क में तो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? हम अभी ये डालते हैं, फिर मिक्स करेंगे, फिर पता चलेगा। फिर लेमन डालेंगे, लेमन की भी 3 to 5 ग्राम, बस बस इतना बहुत है। अब हम लोग इसको मिक्स करते हैं। इसमें तो दही दिख नहीं रही, अभी और दही डलेगी, इसका मतलब है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ड्राई हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गई है। अब इसको हम और भी दही डाल लेते हैं। तो हमने इसमें और दही डाल दी है, अब हम लोग इसको मिक्स करेंगे। इसका हमें फेस पैक अब करते हैं मिक्स। इसमें 3 चीज़ें डलती हैं, मास्क है, 3 चीज़ें थी, इसमें लेमन है क्योंकि ये फेस मास्क है, ठीक है? इस क्रम में लेमन नहीं था, फर्स्ट वाली में भी लेमन था जी, ठीक है? लेकिन इससे वाकई फेस बहुत अच्छा हो जाता है, ग्लो हो जाता है, मतलब बहुत सॉफ्ट स्किन हो जाती है, सुकून वाली हो जाती है। हमारा फेस मास्क भी हो गया है रेडी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, वाओ।
सो बस हम ये भी लगाएंगे अभी। अब हम मास्क लगाएंगे, इसमें बहुत एहतियात से लगाना पड़ेगा क्योंकि ये मास्क है इसलिए। yes. और इसको हमें वो नहीं करना, मतलब स्क्रब नहीं करना, इसको नहीं करना। ये तो मास्क ऑब्वियसली वो तो बस लगा के छोड़ देना है और 20 मिनट्स तक रखना है हमें। हाँ ये 20 मिनट्स तक हम रखेंगे, फिर उसके बाद भी हम दिखाते हैं कैसे लग रहे हैं। भूत भूत जैसे लग रहा है, काफ़ी फर्क लग रहा है अपने आप पे क्योंकि काफ़ी ग्लो आया है तो अच्छा तो लग रहा है अभी। यस फिर इसके बाद हम धोने के बाद भी अपना फेस वॉश करने के बाद हम आपको दिखाएंगे। अब हम लगा रहे हैं फेस मास्क। यस देखते हैं ज़्यादा ज़्यादा लेना पड़ेगा, अल्लाह इतना ठंडा ठंडा है सब कुछ क्योंकि दही बहुत ज़्यादा ठंडी है, इसमें इतनी अजीब सी स्मेल आती है, बेसन का आटा है ना। हाँ बस लगा लगा के हमें ना छोड़ देना है। हमारा कोई प्लान नहीं था वीडियो बनाने का आज, बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो अचानक बस सडन प्लान हो गया हमारा। मुझे तो नींद भी इतनी आ रही थी लेकिन फिर मैंने बोला। और अभी पता कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, फजर भी होने वाली है, कुछ भी फजर भी होने वाली है, इतना टाइम हो गया है अभी। ये कैमरे के बगैर ही हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ वहाँ हर जगह लग रहा है, आईब्रोज पे भी लग रहा है, पता नहीं कहाँ। आराम से हम आपको लगा के फिर 20 मिनट्स बाद दिखाते हैं और वॉश करके फिर दिखाते हैं लग रहा है। A few moments later. ये देखिए हमारा मास्क सूख चुका है, देखिए सूख गया है और ये इतना खिंच रहा है। हाँ अब हम वॉश करेंगे फिर इसके बाद आपको अपना फाइनल फेस दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली हमारा स्किन केयर हो गया है डन। ये अब हमारा स्किन केयर डन हो चुका है, हम लोग ने सारा प्रोसेस कर लिया है फाइनली। वो फाइनली देर लगी हमें लेकिन बहुत गंदे हो गए, सब कुछ गिर रहा था, चावल का आटा, बेसन का आटा, मतलब बहुत गंदगी हो रही थी, बहुत ज्यादा हर चीज गिरे जा रही है। अभी पूरी सफाई भी करनी है रूम की, अभी पूरी सफाई करनी है। मुझे तो इतनी नींद आ रही है लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। सो गाइस बस यही था, आप लोग भी मस्ट ट्राई करें, ये बहुत अच्छा है, वाकई अच्छा है। देखिए ग्लो भी आना शुरू हो गया हमारे फेस पे, ग्लो भी है और वाकई में बेबी स्किन हो गई, बहुत सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो हमने बोला आपसे शेयर की जाए, ये हम लोग घर में होम रेमेडी करते हैं, वो भी हमने फर्स्ट टाइम किए, हमें सब ने बोला कि ये काफ़ी अच्छा होता है और हमने देखा भी था। तो हम लोग बहुत पहले करते थे लेकिन अब हम नहीं करते थे काफ़ी टाइम से, लेकिन हमने फिर अब वापस से किया, लेकिन मैंने ये पहली बार की, मैंने कभी भी नहीं की थी। हमने आज व्लॉग के लिए खास की वाकई। तो गाइस यहाँ पे हमारा पिज्ज़ा आ गया है, ये देखें यम्मी यम्मी, बस अब हम जल्दी से खाते हैं और फिर एंडिंग करते हैं व्लॉग की। सो गाइस स्टे ट्यून। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। ये सो गाइस ऐसे ही मैं सपोर्ट करते रहें, आगे बढ़ाते रहें और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स करते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारा हमें सपोर्ट करें आप लोग, यस गाइस लाइक करें। सो गाइस अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।